सुबह हो गई भाई, जागो जागो। नमस्कार, प्रणाम, महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। भाई कोविड बढ़ रहे हैं इसलिए पूछना जरूरी है, कैसे हैं मेरे सब्सक्राइबर्स और सारे लोग। चलिए, बी सेफ, अच्छे से रहिए, हेल्दी खाइए और थोड़ा प्रिकॉशन लीजिए भाई। तो हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी में मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ, क्या पता है? बताऊंगा तब तो पता चलेगा। पालक और सूजी का बना हुआ बहुत ही टेस्टी हेल्दी नाश्ता कोई भी खा सकता है, कोई भी न्यू कमर भी बना सकता है बहुत इजी वे में। खांडवी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, ये खांडवी का ही रूप है। खांडवी बनाने में उसको विस्क करना, ये करना, वो करना, कुछ नहीं करना है। मैं पालक और सूजी की हरी भरी खांडवी बना रहा हूँ, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इजी वे में बना रहा हूँ। ज़रूर बनाइएगा आप भी, और अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके लाइक और कमेंट से ना एक पोटेंशियल मिल जाता है कि हाँ यार उसे अच्छी लगी है, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, अच्छा मुझे और अच्छा करना चाहिए, ऐसा होता है। तो लाइक और लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर अच्छी लगते हो मेरे एफर्ट्स तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं बहुत सारी नई नई रेसिपीज़ लेके आऊँगा आपके लिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेंगे ताकि मेरे आगे की नोटिफिकेशंस आपको वीडियोस की मिलती रहे। बहुत हो गई बक बक, चलते हैं बनाने। मिक्सी का जार मैंने लिया है, यहाँ पे मैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल दे रहा हूँ, 2 से 3 हरे मिर्च गया, और ये गया हरा धनिया, बंच ऑफ हरा धनिया, हरा भरा बना रहा हूँ भाई इसलिए हरा धनिया। और ये मैंने लिए हैं 12 से 14 पालक के पत्ते, बिल्कुल फ्रेश वाले। इसे सब मैंने अच्छे से धुल लिया है, और यहीं पे अब मैं 1 कटोरी मैंने सूजी ली है, 1 ग्राम में लगभग 125 ग्राम सूजी है। मैं आपके पास जो भी हो, आप इसमें थोड़ा सा मैंने जीरा भी मिला लिया है, जीरा डाल दिया है, भुना हुआ जीरा, आप चाहे तो जीरे का पाउडर भी डाल सकते हैं। और यहीं पे अब हम दही ले लेंगे 1 चम्मच। मैं यहाँ पे पहले गेहूं का आटा ले रहा, 1 टेबल स्पून है, बड़ा वाला चम्मच है। और यहीं पे अब हम 2 चम्मच दही डाल देंगे, 2 टेबलस्पून दही डाल दिया मैंने यहाँ पे। स्वाद अनुसार नमक डाल दे रहे हैं हम, बस थोड़ा सा, लगभग 100 ml के लगभग पानी हम डाल दे रहे हैं, और इसका हम पेस्ट बना ले रहे हैं, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना ले रहे हैं। मैं पेस्ट बना के आपको दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो अलग अलग भी पीस सकते हैं, पालक धनिया अलग पीस लें फिर उसके बाद इसे पीसें। चलिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए अब इसे हम एक स्ट्रेनर की मदद से इसे छान ले रहे हैं, हम इसे छान ले रहे हैं बिल्कुल ही, इसे हमें स्मूथ लेना है इसीलिए मैं छान रहा हूँ, जैसे खांडवी बनती है ना बिल्कुल स्मूथ, बस इसे हम छान ले रहे हैं, छान लिया है। और ये अगर आपको गाढ़ा लगे तो इसमें आप 2 से 3 चम्मच पानी मिला ले, फिर से छानने में भी थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं। और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि आप जैसे ये चम्मच है, चम्मच का पिछला पोर्शन आपका बिल्कुल कोट हो जाए, ना बहुत पतली ना ही बहुत गाढ़ी, ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बस इसे अब हम ढक कर 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख दे रहे हैं। स्टील की थाली मैंने ले ली है, 1/2 टीस्पून ऑयल मैंने डाला है इसमें, और इसे चारों तरफ से अच्छे से ब्रश कर दे रहे हैं हम। 2 चम्मच बैटर डाल दे रहा हूँ, 2 से 2.5 चम्मच, बहुत मोटा भी आपको नहीं करना है। और इसे हम इवेनली अच्छे से चारों तरफ घुमा के ये देख के फैला दे रहे हैं। कढ़ाई में मैंने पानी गर्म होने रख दिया था, यहाँ पे मैंने 1.5 ग्लास पानी लिया है और एक रिंग रख दी है यहाँ पे, बस इसे अब हम ढककर 4 मिनट तक हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे पकने देंगे। 4 मिनट हो गए हैं, इसे अब हम हटा ले रहे हैं, ये देखिए इसे अब हम सावधानी से निकाल ले रहे हैं, एक नाइफ की सहायता से हम साइड में कट मार्क्स लगा ले रहे हैं। इसे पूरा आप ठंडा होने दें, हल्का नहीं तो ये टूट जाएगा आपका, बस। और अब हम इसके पीसेस कट कर ले रहे हैं, ये देखिए कितना स्मूथली निकल गया, ये देख रहे हैं आप, बस इसे अब हम रोल कर ले रहे हैं। ये देखिए लग रही है ना बहुत ही अच्छी, इसी तरीके से हम दूसरा भी निकाल ले रहे हैं,
हल्के हाथों से आप निकालिए, खींचिए, अगर आपकी अच्छी से ठंडी हो जाएगी ये तो बहुत अच्छे से निकल जाएगी। ये देखिए बस इसका भी अब हम रोल बना लेंगे। देखिए कितनी पतली मेरी बनी है, बिल्कुल पाम दिख रहे हैं आपके, आर पार नज़र आएगी। अगर आपसे पतली नहीं बन पा रही है भाई, कोई बात नहीं, आप थोड़ी मोटी भी बना सकते हैं। देखिए फ्राइंग पैन मैंने ले लिया, 1 टीस्पून मैंने घी डाला है, घी आप थोड़ा कम भी डाल सकते हैं लेकिन मुझे ज़्यादा बनाना है। यहीं पे अब हम जीरा डाल दे रहे हैं, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून राई के दाने, करी पत्ता डाल देंगे अब हम, ये करी पत्ता गया, टेस्ट बहुत अच्छा आता है करी पत्ते से, और थोड़ा सा हम सफ़ेद तिल डाल दे रहे हैं, ऑप्शनल है तो भाई आपके पास, थोड़ा सा हम इसे भून ले रहे हैं। हम ये प्लेस कर दे रहे हैं अपनी पालक की हरी भरी, रोल कह लीजिए, खांडवी कह लीजिए, चाट मसाला स्प्रिंकल कर दे रहे हूँ, और थोड़ी सी मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च स्प्रिंकल कर दे रहा हूँ, इससे थोड़ा सा लुक बढ़ जाएगा, और कुछ नहीं। इसे हम हाई फ्लेम पे 1-2 मिनट तक सॉटी कर ले रहे हैं,